अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। इंतहाई अहम टॉपिक है व्यूअर्स, मैरिज। ये तो आपने सुना ही होगा कि शादी एक दूसरी जिंदगी का नाम है, टर्निंग पॉइंट है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों की जिंदगी बदल जाती है, बदलनी पड़ती है। पिछली 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल आदत को, हैबिट्स को यू हैव टू चेंज इन ऑर्डर टू प्रूव योर सेल्फ कंपैटिबल। अब यूर, चूंकि मैं आपके साथ एक्सटेम्परी होता हूं, तो कुछ पॉइंट बीच में रह भी जाता बात उकात, और एक पॉइंट शायद मैंने डिसीजन मेकिंग में, और ये आपको शायद बताया या नहीं बताया, बहरहाल रिपीट कर देता हूं, वो ये है कि मेरे हिसाब से मैं डिसीजन, सेल्फ डिसीजन मेकिंग के हक में क्यों हूं। मैं सेल्फ डिसीजन मेकिंग के हक में इसलिए हूं कि नथिंग इज गारंटीड इन लाइफ। कामयाबी, नाकामी, फायदा, नुकसान, ये जिंदगी का हिस्सा है। मगर मेरी अप्रोच ये है कि जो जिंदगी के की फैसले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, वो इंसान को खुद लेने चाहिए। उसमें फायदा होता है या नुकसान होता है वो अलग बात है, मगर जो भी होता है, अगर खुदा ना खास्ता नाकामी भी हो तो उसमें इतना दुख नहीं होता और इतनी सफरिंग नहीं होती जितना के दूसरों के लिए गए डिसीजंस की वजह से होता है। हो सकता है किसी और के डिसीजन मेकिंग में आपके साथ लॉयल्टी हो, उसने जानबूझ के ना किया हो, या उसने अपने मेंटल लेवल के हिसाब से आपको मशवरा दिया हो और आपने उस पर अमल कर लिया हो, या मशवरा ना दिया हो, आपको थोड़ा सा मजबूर किया हो उसके ऊपर और आपने उसको मान लिया हो, तो उसका बहुत दुख होता है। ये एक नेचुरल, कह लें कि एक नेचुरल टेंडेंसी है, चाहे किसी दूसरे का एक्शन इतना नुकसानदेह हो या ना हो, इंसान उसको ब्लेम कर देता है। तो क्यों ना इस ब्लेम से बचा जाए। Take your decisions yourself। अच्छा जी, अब ये पांचवां पॉइंट है, इंस्टिंक्ट, लर्नड, डिसीजन मेकिंग और इनकम के बाद। एक बात आपको और बता दूं, इस टॉपिक में, बल्कि तमाम मामलात में, बीइंग अ सीनियर सिटीजन, being a little bit of an educationist and being a very primary student of English language and literature, meri ye intihai koshish hai ki main kabhi bhi biased na hu in terms of gender
यानी मेल और फीमेल के मामले में कभी भी बायस ना हो, मैं हमेशा अनबायस्ड रहूं, न्यूट्रल बात करूं। आपके सामने दुनिया भर में ये एक ऑप्शन आती है, ठीक है कि नहीं, और इसमें कुछ मिथ्स का बड़ा हाथ है। मैंने एक बड़ी रिडिकुलस सी मिथ सुनी है, सुनी हुई है, बड़ी देर से सुनी हुई है कि कोई आवारा निकम्मा कोई काम ना करने वाला मेल हो ना, तो उसके इर्द गिर्द के ये घर वाले लोग उसे पता क्या कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं, यदि शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा, या तो वो ठीक हो जाएगा या वो अपने साथ किसी की बेटी को और दो तीन बच्चों को भी लेकर डूबेगा। एक और मिथ सुने, नस्ल बड़ी जरूरी है, नस्ल ही होना चाहिए, नस्ल ही होना चाहिए, नाम लेने वाला, जिसे हिंदी में कहते हैं वंश और उर्दू में कहते हैं वारस। और एक तीसरी डॉक्ट्रिन जो सुनने में आती है वो ये है कि टाइम हो गया हूं, वक्त हो गया हूं, ऐनी उम्र तक शादी होएगी, ऐनी उम्र तक बच्चे हो जाएंगे वड्डे, ते ओदे बाद मेरे पोते पोतियां होंगे और सारे मिलके मेरी खिदमत करेंगे। और ये बात है जी, इसमें अब इसमें दो ऑप्शंस आती हैं हर इंसान के सामने। पहली तो इतनी कह लें कि ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की जाती, जिसको कहते हैं बैचलर रहना। वैसे तो मैं अगर बैचलर को डिफाइन करूं ना तो वो ये है कि फिकर ना फाका ऐश कर काका, अपनी मर्जी की नींद, अपनी मर्जी के टाइमिंग, नो पार्टनरशिप, नो बाइंडिंग एंड एब्सोल्यूटली यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सीधा सीधा मामला बस। और दूसरी आ गई ऑप्शन आती है, वो क्या है, ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ए रिचुअल। मैरिज इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ए रिचुअल। आपको मजहबी नुक्ता नगाह से भी बता दूं ये बात कि जो हस्बैंड या वाइफ दोनों की मैं बात करूं, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ये मोबाइल मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिस पे बात कर रहा हूं आपके साथ, वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बोथ ऑफ देम हैव स्पेसिफिक राइट्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली एंड इन अ डिसेंट मैनर। मगर कुछ सोसाइटीज में मेल शोवनिज्म की वजह से, मचिज्मो की वजह से, जो डॉगमेटिक अप्रोच है उसमें ज्यादातर फीमेल्स जो हैं वो सफर करती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है।
अब व्यूअर्स, ये जो मैरिज है ना, मैंने आपको बताया है, ये लाइफस्टाइल को चेंज कर देती है पकड़ के, और करना भी चाहिए व्हेन यू आर इन ए बाइंडिंग। ठीक है कि नहीं? तो बाइंडिंग का मतलब, बाइंडिंग का तो मतलब यही होता है कि आप कुछ बातों के पाबंद हैं। बड़ी नेचुरल सी बात है। कहने का आपको मकसद ये है कि एक तो वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मगर मैं यहां पे एक लिटरेरी वर्ड है इलूसिव। इलूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और अचीव। इट्स अ वेरी सेंसिटिव रिलेशनशिप विच शुड नॉट बी ब्रोकन इफ मेड। अगर चले तो इट्स द बेस्ट वे ऑफ लीडिंग लाइफ, और अगर कंपैटिबल ना हो तो इट्स द वर्स्ट वे ऑफ लीडिंग लाइफ। कंपैटिबल इसको बनाना है दोनों बंदों ने, मेल ने भी और फीमेल ने भी। यहां मैं फिर आपको ये बात बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा है 3 C's में, कि आपकी चॉइस आपके चांसेस बनाती है और आपके चांसेस आपके चेंजेस बनाते हैं। तो इस स्पेसिफिक मैटर में तो मेरे ख्याल से आपको इतना सेंसिटिव और विजिलेंट होना चाहिए कि अपनी तरफ से कोई गुंजाइश ना रहने दें किसी किस्म की भी तसल्ली की। एक और बात आपको यहां बता दूं कि खाली यहां ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो हमने ऐसे बातें बनाई हुई हैं कि वो जी गोरे तो अकेले रहते हैं, वो मिलते नहीं है, नॉट एट ऑल। सबका वहां ऐसा स्टाइल नहीं है। क्वीन एलिजबेथ क्या अकेली रही है सारी जिंदगी? 99 ईयर्स उसके मियां ने एज थी उसकी, खुद वो 94 में उसकी डेथ हुई है, 94 ईयर्स की उसकी डेथ हुई है। दुनिया में हर जगह पे मैरिड लाइफ है। अब एक मैं बात आपको ये क्लियर कर दूं बड़ी अच्छी तरह से, जिसका हम लोगों को पता ही नहीं होता, मुझे भी नहीं था पता, कि मैरिज जो है ना वो बिटवीन टू फैमिलीज होती है। ये बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल नहीं होती। यू हैव टू बी इंगेज्ड विद द अदर फैमिली, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए इसको कहते हैं चेंज ऑफ लाइफ। देखिए ना, इससे पहले बंदा किसी की फैमिली के साथ इतना अटैच नहीं होता जितना के ये काम करने के बाद होना पड़ता है। बाकी ठीक है, सही है। अब इसके लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी? सबसे पहले दोनों का एक दूसरे की फैमिलीज को जानना अच्छी तरह से, और एक मखसूस अच्छे अरसे तक एक दूसरे से सिर्फ मिलना जुलना। वो कहते हैं ना कि किसी बंदे के बारे में कोई राय बनानी हो ना तो उसके साथ बैठ के खाना खाओ। इस मामले में 50 बार बैठ के खाना खाना चाहिए फैमिलीज के साथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटिंग। जाए लड़का भी उस फैमिली के घर,
जाके उन्हें मिले जुले, उनकी बातें सुने, अपनी बातें सुने। वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की करमला वजू की एक सेइंग है, कि इंसान का दिमाग एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में कैसा सामान है। मेल वाले भी उनसे मिले जाके, फीमेल वाले भी उनसे मिले, इसलिए कि जो मेल बच्चा है वो अपनी 28-30 साल अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड्स का आदी है, और जो लड़की है वो अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड्स, आदात, रिचुअल्स, वे ऑफ लाइफ की आदी है। और ये कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये बात ऐसे ही होता है। अब मुझे आप ये बात बता दें, समझा दें कि 4 दस्तखत करने से क्या 25 साल आदात एकदम से बदल जाती हैं? मिसाल के तौर पे एक लड़की है, उसकी शादी हुई है, उसको सुबह देर से उठने की आदत है। आप उसको कहते हैं तो सुबह 5 बजे उठ। एक लड़का है, वो जो कुछ भी पहले करता है, और आपने देखा हुआ है कि वो क्या करता है, आप उसको कहते हैं कि अब तू हमारा चूंकि रिलेटिव बन गया है तो चेंज योर सेल्फ, हाउ इज इट पॉसिबल? तो लिहाजा मैरिज इज नॉट मियरली ए सेक्सुअल एक्टिविटी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू फैमिलीज एंड आफ्टर दैट टू पीपल। और इसमें आप कोशिश करें कि जितना रियलिस्टिक हो सके वो रियलिस्टिक हो। डोंट यू एवर थिंक कि आप लड़की को बदल लेंगे या उसको बदलना पड़ेगा, या आप लड़के को बदलने पड़ेंगे और उसको बदलना पड़ेगा। इट्स ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, डिसेंसी एंड केयर। बाकी जो शादी के बाद चेंजेस आते हैं, हर इंसान उनकी कह लें कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बदल ही जाता है, बशर्ते कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो और केयर हो। आप मुझे एक बात बताएं कि एक कपल का बेबी हो गया है, या चले अगर बेबी नहीं भी हुआ मगर आपस में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट है और दिल में कोई गिला और खार नहीं है, तो दोनों में से कोई भी क्या किसी दूसरे को किसी टफ टाइम में या ट्रबल में बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। मगर अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है तो देर इज नो रिलेशनशिप। लिहाजा सोच समझ के, देखभाल के, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए और लाइफ टाइम कैरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन बनाए। थैंक यू।